मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि निर्देशक सुभाष घई की फिल्म परदेश से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी हमेशा ही अपनी खूबसूरत मुस्कान और अपने मासूम से चेहरे के लिए याद की जाती रही हैं। मगर 90 के दशक में हुए एक एक्सीडेंट ने महिमा की जिंदगी बदल कर रख दी और आज भी जब वो उस समय को याद करती हैं तो सिहर जाती हैं। अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में महिमा ने अपने उस जानलेवा एक्सीडेंट और अपने को स्टार अजय देवगन और काजोल की दरिया दिली की बात की है। दरअसल महिमा ने बताया, ये एक्सीडेंट उनकी फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के आखिरी दिन बेंगलुरु में हुआ था। वह शूटिंग के लिए निकली थी कि एक दूध वाला ट्रक उनकी कार से टकराया और उनकी गाड़ी पलट गई। उनकी कोई हड्डी इस एक्सीडेंट में नहीं टूटी, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह जख्मी हो गया। महिमा ने बताया, गाड़ी का कांच मेरे चेहरे में गोली की तरह आकर लग गया था। महिमा ने बताया कि जब वह अपनी इस चोट से उभर रही थी, उन्होंने सिनेमा के इतर कुछ और करने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह वापस लौटकर काम करने की सारी उम्मीद खो चुकी थी। मगर ऐसे वक्त में अजय देवगन ने उनकी काफ़ी मदद की, जो उनकी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। वहीं बॉलीवुड बबल को दिए इस इंटरव्यू में एक मैगजीन के बारे में बात करते हुए महिमा ने बताया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मेरी शूटिंग के सेट पर आए, जबकि वहां आने की इजाज़त भी नहीं थी। उन्होंने लिखा, महिमा का एक्सीडेंट हुआ है और उनके चेहरे पर कई निशान हो गए हैं, अब जाकर हम उन्हें स्कारफेस बुला सकते हैं। ये बातें मुझे आज भी चुभती हैं, हम कितना नीचे गिर सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा, अजय और काजोल जो उस समय मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि उस समय ये बात मेरा पूरा करियर बर्बाद कर सकता था। इतना ही नहीं, महिमा को हौसला देने के लिए अजय ने उन्हें अपनी चोट के निशान भी दिखाए। महिमा ने बताया, अजय ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे बेस्ट इलाज मिले। खैर, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।